जो किसी दूसरे पे दोष लगा दे। कह रहा तू कौन है, तू किसी और के सेवक पर इल्जाम लगा रहा है, दोष लगा रहा है। कह रहा वो उसका और उसके परमेश्वर का मामला है, वो उसका और उसका परमेश्वर का लेना देना। हमारा किसी के ऊपर अपनी आत्मिकता को थोपने का कोई मतलब नहीं है, किसी को पापी करारने का कोई मतलब नहीं है, किसी पे दोष लगाने का कोई मतलब नहीं है, किसी को तुच्छ जानने का कोई मतलब नहीं है। अपना और अपने परमेश्वर का रिश्ते पे ध्यान दो। कोई क्या कर रहा है, बाइबल कह रही है कि तू कौन है जो दूसरे के सेवक के ऊपर दोष लगा रहा। भाई मेरा सेवक, मेरा बेटा, मेरी बेटी परमेश्वर कह रहा मैं अपने आप देखूंगा क्या करना है। क्यों कह रहे कि उसने स्थिर रहना है नहीं रहना, वो उसके परमेश्वर का लेना देना, उसके परमेश्वर का काम है। कह रहे किसने देखना है कि वो स्थिर रहे या ना रहे, वो विश्वास में स्थिर या ना रहे या ना रहे, वो पवित्रता में स्थिर रहे या ना रहे, ये किसने देखना है, परमेश्वर ने। और कह रहे क्यों, क्योंकि प्रभु उसे स्थिर रख सकता है। जब हम किसी को तुच्छ जान रहे हैं, हम उसको नहीं परमेश्वर को तुच्छ जान रहे हैं। जब हम किसी भी परमेश्वर के स्वरूप, परमेश्वर के जन के ऊपर दोष लगा रहे हैं, चाहे वो कैसा भी है, हम उस पे नहीं परमेश्वर पे दोष लगा रहे हैं। तो दोष मत लगाओ, परंतु दोष तुम पर भी लगाया जाएगा। कह रहे क्योंकि हमने तो